इंदौर के चंदनगर थाना क्षेत्र में हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महज 12 घंटे में पुलिस ने आरोपियों को ढूंढ निकाला, वहीं 5 अन्य आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। दरअसल बीते दिन दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद के चलते दो लोगों की मौत होने की बात सामने आई थी। वहीं इस विवाद में पुलिस ने 8 लोगों को आरोपी बनाते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। ग्रीन पार्क में पीछे की ओर गंगोर घाट में अपराध बस्ती में दो पड़ोसियों में चद्दर ठोकने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें एक पड़ोसी का फरियादी पक्ष का कहना यह था कि इसके चद्दर के एंगल हमारे घर की तरफ आ रहे थे, इसको मना किया तो इन्होंने झगड़ा किया। कल शाम को झगड़ा हुआ, दोनों पक्षों से FIR हुई थी। इसमें पुलिस भी मौके पर गई थी और दोनों पक्षों को समझाइश भी की थी, इनकी मेडिकल भी कराए गए थे। रात्रि में जब ये कमरजहां का भाई सिकंदर महाराष्ट्र से इसके पास आ गया, तो सुबह करीब 6 बजे के आसपास आरोपी पक्ष के द्वारा फरियादी पक्ष के घर में घुस के हमला किया गया, जिसमें फरियादिया खुर्शीद भी घायल हो गई, जो 69 वर्ष की है, और इसके दोनों बेटों की इसमें हत्या कर दी गई। इनके बेटों के नाम है नईम और छोटू, जो क्रमशः 26 और 22 साल के करीब के हैं। इन दोनों की हत्या कर दी गई। इसमें धारा 302, 307 और अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, विवेचना की जा रही है। तीन आरोपी इसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं, सिकंदर, कमरजहां और जाहिदा। अन्य शेष आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।